उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री भी हैं, जिनके द्वारा गुरुवार को राज्य के जनपदीय पुलिस प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। मथुरा से इस वीसी में डीएम नितिन बंसल, एसएसपी मोहित गुप्ता और डीआईओएस डॉक्टर आईपीएस सोलंकी ने भाग लिया। उप मुख्यमंत्री ने जिलों के अधिकारियों से हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाओं की स्थिति जानी, साथ ही निर्देश दिए कि इन परीक्षाओं को शांतिपूर्वक संपन्न कराएं और परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ न लगने दें, लेकिन किसी का अनावश्यक उत्पीड़न ना करें। इसके साथ ही उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्यशैली के संबंध में ये निर्देश दिए कि किसी का गलत तरीके से उत्पीड़न ना किया जाए तथा जो युवक छेड़छाड़ के आरोप में पकड़े जाएं उन्हें समझाकर उनके परिजनों के हवाले करें। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस जो आजकल हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों की परीक्षा चल रही है माध्यमिक शिक्षा की, उसको लेकर उसको शांतिपूर्ण तरीके से नकलविहीन तरीके से परीक्षा कराने के संबंध में उप मुख्यमंत्री जी द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि कहीं भी भीड़ भाड़ ना इकट्ठी हो, क्योंकि धारा 144 लागू है, 200 मीटर की परिधि में कोई भी अनावश्यक व्यक्ति ना खड़े हो, परीक्षा नकलविहीन तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, किसी को भी उत्पीड़ित न किया जाए, परंतु अगर कहीं सामूहिक नकल की कोई घटना आती है या फिर कहीं नकल कराए जाने की प्रबंधकों द्वारा या फिर स्कूल द्वारा मैनेजमेंट द्वारा कराने की, तो उसको डिबार करने की संस्तुति भेजी जाए और तत्काल उसको डिबार किया जाएगा, परीक्षा उसकी निरस्त की जाएगी। उसी के क्रम में मथुरा जनपद से भी जब पूछा गया तो बताया गया है कि यहाँ पर 34 केंद्रों को हमने नोटिस जारी किया है कि क्यों ना उनकी परीक्षा निरस्त करते हुए उनको डिबार किया जाए। 3 परीक्षा केंद्रों को हम अब तक डिबार करने की संस्तुति भेज चुके हैं, जिसमें परीक्षा भी निरस्त करा दी गई है। अभी तक 6 FIR दर्ज करा चुके हैं और 100 से ज्यादा बच्चों को रेस्टिगेट किया जा चुका है जो परीक्षार्थी नकल करते हुए पाए गए और फेक एंट्रीज के साथ पाए गए हैं। तो इस तरीके से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नकलविहीन तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो। इसके साथ साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की भी बात हुई है और एंटी रोमियो स्क्वाड यहाँ पे गठित हो गई है, उसमें किसी को भी गलत तरीके से उत्पीड़ित ना किया जाए, ये निर्देश प्राप्त हुए हैं। अगर कोई ईव टीजिंग कर रहा है, कोई स्टॉकिंग कर रहा है, किसी महिला की छेड़खानी कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, तो उनको पकड़ा जाए, उनसे उनको थाने में बुलाया जाए, उनके माँ बाप को बुलाया जाए, उनको समझाया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, पर किसी को भी गलत तरीके से उत्पीड़ित ना किया जाए, इस संबंध में निर्देश दिए गए।